Okay, now I'm talking about heart sound lub and dub. If you hear your heart sound by placing a stethoscope on your chest, you will hear two sounds. तो स्टेथोस्कोप अगर आप लगाते हैं तो आपको दो तरह की साउंड सुनाई देती है, एक तो लब एंड डब इन अ शॉर्ट सक्सेशन फॉलोड बाय अ गैप. द फर्स्ट साउंड लब इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द एट्रियो वेंट्रिकुलर ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व गेट क्लोज शार्पली एट द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल. तो लब साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व मीन्स ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व जो हैं वो तेज़ी से बंद होती हैं, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन करना स्टार्ट करता है, सिकुड़ना. द सेकेंड साउंड डब इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एट द बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल द सेमिनुरल वॉल्व एट द रूट ऑफ अरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी गेट क्लोज. डब साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब वेंट्रिकल डायस्टोल करना स्टार्ट करता है मीन्स एक्सपेंड करना स्टार्ट करता है, तो सेमिनुलर वॉल्व जो होती है एरोटा के रूट पर और पल्मोनरी आर्टरी बंद होती हैं, तब ये डब साउंड प्रोड्यूस होती है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ हार्ट बीट. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में स्पीशीज़ में अलग अलग तरीके की हार्ट बीट का रेट होता है. रेट ऑफ हार्ट बीट वेरीज अमंग डिफरेंट स्पीशीज़ एंड इवन इंडिविजुअल ऑफ अ सेम स्पीशीज़. सम ऑफ द वेरिएशन इन बीट्स पर मिनट एट रेस्ट इन डिफरेंट स्पीशीज़ आर इन केस ऑफ वेल 15, एलिफेंट 25, हॉर्स 40, एडल्ट मैन 68 to 72, एडल्ट वीमेन 72 to 80, कैट 120, न्यू बॉर्न इन्फेंट 140, रैट 250, स्पैरो 800 to 900. डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन द साइज एंड द बॉडी एट द रेट ऑफ हार्ट बीट? यस, स्मॉलर द साइज फास्टर द हार्ट रेट. जितना साइज छोटा होगा किसी ऑर्गेनिज्म का उसकी हार्ट बीट उतनी ही ज़्यादा होगी. यही वजह है कि जो बेबी होते हैं उनकी हार्ट बीट ज़्यादा होती है क्योंकि उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए और मेटाबॉलिज्म ज़्यादा अच्छे से हो पाए जिस वजह से. दिस इज़ बिकॉज स्मॉलर द एनिमल द मोर इट लॉसेज इट्स बॉडी हीट ड्यू टू हायर सरफेस वॉल्यूम रेशियो एंड देयरफॉर द इंक्रीज हार्ट रेट डिस्ट्रीब्यूट्स बॉडी हीट फास्टर. सेकेंडली द यंगर ग्रोइंग स्टेज सच एज द ह्यूमन बेबी हैव हायर मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ एंड देयरफॉर द फास्टर रेट कीप द सप्लाई एंड टेक ऑफ ऑफ द मेटाबॉलिक सब्सटेंसेज इन राइट क्वान्टिटीज. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पेस मेकर. द इम्पल्स और कमांड विच स्टार्ट द हार्ट बीट अराइज इन पेस मेकर दैट इज साइनो एट्रिकुलर नोड SAN. द इम्पल्स ऑफ कमांड विच स्टार्ट द हार्ट बीट अराइज इन पेस मेकर दैट इज साइनो एट्रियल मोड SAN लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द राइट ऑरिकल. तो राइट ऑरिकल पे ऐसे नोड होता है जिसे हम पेस मेकर के नाम से जानते हैं, साइनो एट्रियल नोड. दिस इम्पल्स इज रिलेट टू द वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ स्पेशल कंडक्टिंग फाइबर. द पेस मेकर SAN इज प्रेजेंट नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा. पेस मेकर की लोकेशन कहाँ पर होती है, सुपीरियर वेना केवा के पास, उसकी ओपनिंग के पास, जो ऊपर का सारा ब्लड लेकर आती है. वाइल द AVN नोड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड इज फॉर्म नियर द इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम नियर द ट्राइकस्पिड वॉल्व. तो AVN नोड जो है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड वो कहाँ पर होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व के पास होता है. मैंने आपको बताया ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वन साइडेड हैं और तीन डोर हैं ये, जो कि वन साइडेड है. ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आ जाए तो बैक फ्लो नहीं होता और इनके जॉइंटर को क्या कहते हैं, कॉर्डा टेंडिनी. अ बंडल ऑफ मसल फाइबर कॉल्ड बंडल ऑफ हिस बिगिंस फ्रॉम AVN एंड एक्सटेंड द इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम. बंडल ऑफ हिस कंसिस्ट ऑफ ब्रांचेस ऑफ फाइबर रनिंग अलोंग द वॉल ऑफ वेंट्रिकल कॉल्ड पुरकिंजे फाइबर. तो एक मसल फाइबर के बंडल का बंडल होता है हार्ट पे जिसे बंडल ऑफ हिस कहते हैं, जो कि स्टार्ट होता है AVN से और फैल जाता है पूरे सेप्टम पे. सेप्टम वो वॉल है जो कि वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल को दूसरे वेंट्रिकल से सेपरेट करती है. बंडल ऑफ हिस बना किससे होता है, ये फाइबर से बना होता है, इसकी ब्रांचेस होती हैं जो पूरे वेंट्रिकल के ऊपर फैली होती हैं जिसे हम पुरकिंजे फाइबर बोलते हैं. ऑल दीज टुगेदर फॉर्म अ सिस्टम विच क्रिएट एन इम्पल्स एंड कंडक्ट इट टू एवरी पार्ट ऑफ द हीट ऑफ द हार्ट. समटाइम द पेस मेकर बिकम फॉल्टी कॉजिंग हार्ट ट्रबल.
तो कभी कभी पेसमेकर काम नहीं करता, एटीपी जनरेट नहीं कर पाता, एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल पेसमेकर जो है उसको फिक्स करते हैं डॉक्टर हार्ट पे। समटाइम द पेस मेकर बिकम फॉल्टी कॉजिंग हार्ट ट्रबल एंड आर्टिफिशियल पेस मेकर मे बी फिक्स इन द हार्ट ऑफ सच अ पर्सन।